Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर वालों का ख्याल रखेंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत आसान, बहुत ईजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं बनाना गेट पे हूँ। नो PAA, नो नथिंग, नो व्हील चेयर्स, तो इसलिए। और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन। जी जनाब, तो मैं ये बता रहा था कि पैसेंजर आ गई थी, तो इसलिए मैंने फोन रख दिया था। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन। जहाँ जहाँ न्यू ईयर बनाया जा रहा है, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर, तो लेकिन जो आजकल हो रहा है, हमें तो बस यही दुआ करनी है कि साल खैरियत से ये साल गुजरे, नया साल जो आ रहा है, कोई परेशानियाँ ना आए, कोई परेशानियाँ ना आए, सबको हिदायत दे। और ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, वो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तो और जो प्यारे बिछड़ चुके हैं फ़लस्तीन में इस वार की वजह से, ये जो सिस्टम हो रहा है, तो उनको सब्र दें। आमीन। चलें आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और आज का देखो, आज का प्लान क्या है, मैंने आपको बताया है कि हमें बनाना गेट क्यों। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह आपको फिर वॉइस नोट में सब कुछ बताऊंगा। ओके। बाहर इतना शोर था कि मैं वो आवाज़ जब मैंने एडिट करने के लिए देखा तो आवाज़ आ ही नहीं रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। और गाइस, आप इनको आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, मेरे जैकेट पे देखें वाइट क्या हो रहा है। यस, इट्स स्नोइंग ऑन न्यू ईयर ईव। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, ये अभी भी इस साल भी हुआ है। ये क्या हो रहा है? क्रिसमस वाले दिन होता है कि 50 में टेम्परेचर, और यहाँ अचानक से स्नो हो जाती है। दैट्स वेरी वियर्ड गाइस। स्नो हो रही है अभी, और तेज़ हो गई। ये देखिए आप, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये और तेज़ हो गई। ये क्या हुआ? न्यू ईयर ईव में स्नो और क्रिसमस में 50 टेम्परेचर, तो ये क्या हुआ? लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद स्नो देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। डैम, देखते इतनी स्नो हो गई। अभी मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ बाहर इतनी कैसी स्नो हुई है। ये वैसे थी आज स्नो का फॉरकास्ट था, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, लेकिन स्नो लगती बहुत अच्छी है। खाली घर तक, घर में बैठ के देखो, हाथ में हॉट चॉकलेट हो और स्नो के मज़ा लो, बाहर निकलोगे पछताओगे, बहुत गंदगी होती है। मैंने छोड़ दिया है पैसेंजर को, अब मैं जा रहा हूँ बैगेज क्लेम से लेकर ऑल द वे थ्रू टू B22 बैग बनाना गेट। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ, आज मेरी पोस्ट वहाँ पर है, तो चले चलते हैं। ये तो मुझे लग रही है लंबी वॉक, या हो गई है लंबी वॉक, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत लंबी वॉक लग रही है भाई बहनों। अब अल्लाह अल्लाह करके अब आया B22, इतने तेज़ भाग भाग कर आए हो, कोई वीडियो ही नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। चलो, नमाज के भी टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ के ही आप लोगों से बातें करूँगा इंशाल्लाह। जी जनाब, और आप लोग के क्या क्या प्लान्स हैं कमेंट करके बताएं आज के, क्योंकि आज न्यू ईयर ईव है। और रेवोल्यूशन क्या है आप लोगों की न्यू ईयर्स की, ये भी बताइए। और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, फ्लाइट कर लूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में पूरी डिटेल में बताता हूँ मेरी रेवोल्यूशन इस साल की क्या है, नए साल की। B22 की फ़्लाइट लेट होते जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्नो हो रही थी, और जहाँ वो जहाज़ जा रहा था वहाँ तो बहुत ही स्नो हो रही थी, तो इसलिए भी लेट हो रहा था। और गेट चेंज बहुत हो रहे थे, तो इसलिए मैं बैठ के ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था ये बाहर का मौसम, क्योंकि बाहर अंदर बहुत सर्दी थी, बाहर थोड़ा सा वो हीट वीट थी, तो इसलिए मैं अपना ब्रेक ख़त्म करके वापस B22 जा रहा था, क्योंकि मैं फिर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत वही लंबा रास्ता, फिर जल्दी जल्दी ब्रेक किया, ये सब किया। तो अल्लाह का शुक्र है B22 आ चुका है, तो मैं जाके थोड़ा सेटल होता हूँ। अब मैं देखिए कितना सन्नाटा है न्यू ईयर ईव में, क्योंकि फिर बहुत स्लो हो गया था, इतना स्लो कि मुझे नींद आ रही थी। चलें चलते हैं हम दोबारा अंदर, तो मिलता हूँ आपको। बहुत शदीद भूख, लेकिन घर जाकर खाऊंगा। घर में पता नहीं क्या नेहारी बनी है, कल नेहारी बनी थी, मैं रोटी चोट के नेहारी खाऊंगा, इतनी मज़े की नेहारी बनी थी,
चले अब ऑलमोस्ट जाने वाला ही टाइम हो गया। क्या टाइम हो रहा है? 5:18 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है जाने का। चलो मैं कुछ स्नैक तो ले लूँ ना। हो गया था मैं थोड़ा बिजी, अब मैं आया हूँ E5 पे बैठने के लिए, क्योंकि 8:30 जाना है। मैंने ब्रेक भी नहीं लिया था, तो ये आप लोगों को पूछना भूल ही गया था, बताना भूल ही गया था कि मेरा न्यू ईयर का रेगुलेशन क्या है। मेरा न्यू ईयर का रेगुलेशन ये है कि माशाल्लाह से नमाज पढ़ना, कुरान ख़त्म करना और नमाजी परहेजगार बनना, ये है मेरा वो क्या है न्यू ईयर रेगुलेशन। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है। तो ये है, अब मैं जाऊंगा घर जाके आराम करूंगा। और मुझे भी लग रहा है थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हो रही है, क्योंकि वो जो खराश जो आती है ना गले में, वो मुझे लग रहा है वो होने वाली है। आपके नाक की आवाज़ से पता चल गया होगा नाक की आवाज़ से। तो अब मैं जाऊंगा घर जाके आप लोगों से बातें करता हूँ, शातें करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होने वाला है न्यू ईयर ईव में। न्यू ईयर में कुछ भी नहीं होने वाला, सोएंगे, आराम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कल वापस आने घर, आई मीन ये घर है हमारा जॉब, तो इसलिए सो लेट्स गो। अब मैं घर आ गया था और मैं कर रहा हूँ डिनर, और ये है मेरा डिनर करने का स्टाइल। और मैं जल्दी से डिनर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर न्यू ईयर शुरू होने वाला है, काउंटडाउन शुरू होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी से खाना वाना खा लो मुबीन साहब और चलो ऊपर और फिर काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2024 शुरू होने वाला है। मैं आ गया था अब ऊपर और मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट जाता हूँ, अभी भी टाइम था, थोड़े 5-10 मिनट थे काउंटडाउन में। तो मैंने बोला चलो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी एमी हो रही थी। लो जी काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम गाइस, एंड नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये दिन दिखाया। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ जॉब के लिए जॉब में से जा रहा हूँ। और ये देखिए कितना सन्नाटा हो रहा है यहाँ पर, एक कुल दुक्का गाड़ियाँ होंगी। अभी मैं आपके आगे आपको और दिखाऊँगा, क्योंकि न्यू ईयर्स में सब कुछ बंद है और ऐसा सन्नाटा हो रहा है जैसे कि कोई स्नो हुई हो। स्नो तो नहीं हुई है, लेकिन लेट्स गो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू कंटिन्यू व्लॉग। कल मैं कुछ नहीं बना सका था, क्योंकि कल बहुत थक चुका था इसलिए। तो चलते हैं जॉब की तरफ, तो आपको वहीं मिलते हैं इंशाल्लाह। और ये देखिए रोड में कितना सन्नाटा, ये रोड सबसे बिजीएस्ट रोड है ये हमारे इलाके की। और यही इतनी सुनसान थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ गए हम लोग, क्योंकि न्यू ईयर्स था, सब कुछ ऑफिसेस, स्कूल सब कुछ बंद था, तो इसलिए सन्नाटा था, मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। चलो इंजॉय कीजिए। और उसके बाद मैं आया गैस स्टेशन में, और गैस स्टेशन की प्राइस देखी है माशाल्लाह, गैस की 289, बहुत अच्छी प्राइस मिल गई थी। तो मैंने फौरन गाड़ी रोकी, गैस भराई और वापस गया अपनी जॉब पर। और मौसम भी बहुत ही अच्छा था, तो मैं ज़रा इंजॉय कर रहा था, स्लो गैस भर रही थी, तो मैंने बोला चलो इंजॉय करो आराम से। और मेरी पोस्ट थी लॉबी में, क्योंकि मैंने लॉबी की शिफ्ट किसी की उठाई थी न्यू ईयर्स में, और मैं लॉबी में जाके फंस गया। और मैंने बहुत देर बाद व्लॉग बनाया था, वॉशरूम जाकर नमाज वमाज पढ़ कर, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँ कि मेरे क्या तासुरात हैं। मेरी कमर इतनी टूटी हुई थी, क्योंकि लॉबी में काम करना इट्स रियली हार्ड, क्योंकि सूटकेसेस जो आते हैं पैसेंजर्स के, इवन हम लोग भी जब जा रहे होते हैं तो हमारे पास कितने सूटकेस होते हैं आप लोगों को पता है। तो इसलिए मेरी कमर बिल्कुल टूटी हुई थी, तो इसलिए मेरा मुंह बना। जी जनाब, मैं आ गया हूँ लॉबी से, मेरी कमर इतनी टूट गई है, उन लोगों ने वहाँ से यहाँ तक आने नहीं दिया। और मैं 5:30 बजे आया हूँ यहाँ पर और कोई नहीं आया है, और हम वेट कर रहे हैं। वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ है न्यू ईयर की पार्टी। पार्टी से मतलब के दो लोगों की बर्थडे है, तो इसलिए बस एक बहाना है हम लोगों के, तो कहाँ बर्थडे बनाई जाती है, तो बस एक मिलने बांटने का बहाना है। तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में,
अब मेरा पंच आउट का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ पंच आउट करने के लिए, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। कब आएंगे लोग, मुझे भूख लग रही है। सब लोग असाइनमेंट में ऐसा फंसे हैं और मैं यहाँ B5 पे फंसा हूँ। मुझे जाना है घर, मुझे जाना है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कल छुट्टी है। ये रसम है। हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह तो बोलो सारे। माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। ये देखिए, छोलों की चाट थी, पुलाव था, कढ़ाई थी, ये सब था। और मैंने खाना ले चुका हूँ, छोलों की चाट और पुलाव, जो कि मुझे बिल्कुल चटनी के बगैर पुलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन छोलों के साथ बहुत मज़े का लग रहा था। जल्दी से खाता हूँ और जल्दी से जाता हूँ अपने घर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि वैसे मैं 6 बजे ऑफ हो चुका हूँ, तो पार्टी के लिए मैं रुका था। तो चलो चलते हैं घर, अब मैं घर में आप लोगों को मिलता हूँ। हो गया मुझे नज़ला, अब मैं मिलूँगा आपको कल नेक्स्ट वीक व्लॉग में, क्योंकि मुझे पता है अब जो चीज़ें स्टार्ट होंगी तो स्टार्ट होती ही रहेंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो तो सबसे मस्ट है। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ, और दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि वाह अब जाके हुआ है, उस वक्त नहीं हुआ जॉब पर। चलो अल्लाह हाफिज़।